अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो मैं मौजू आपके सामने लाई हूँ वो पूरी दुनिया में एक नहायत ही खतरनाक मसला है जो तेजी से पूरी दुनिया में मर्दों को दीमक की तरह चाट रहा है। वो मर्द है मर्दाना बांझपन। आप कह रहे होंगे कि जनाना बांझपन तो सुना था, ये मर्दों का बांझपन क्या होता है? दुनिया में 60% मर्द बांझपन का शिकार है, मगर इल्जाम हमेशा औरत को दिया जाता है। बाज़ुकात तो मर्द अपना मुआयना करवाना या बांझपन होने को तस्लीम नहीं करता और अपनी गलत का मसला समझता है। बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि जब इन्हें पता चल भी जाए कि वो बांझपन का शिकार हैं, तो वो यहाँ तो खुदकुशी कर लेते हैं या करना चाहते हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ सबको बताना चाहती हूँ कि मायूस मत हों। मर्दाना बांझपन एक मर्ज है जिस तरह बाकी अमराज है जो किसी भी शख्स या इंसान में हो सकता है, ठीक इसी तरह बांझपन भी मर्ज है और बाकी तमाम अमराज की तरह काबिले इलाज भी है। अल्लाह पाक ने दुनिया में जितनी भी बीमारियां पैदा की, पहले उनका इलाज उतारा है और बाद में बीमारी उतारी। नाज़रीन, अब बात यह है कि आपको सबसे पहले मर्ज या बीमारी का पता हो और जब पता चल जाए तो इसको छुपाएं नहीं, इलाज एहतियात के बारे में जल्द फैसला करें और मायूस ना हो। मर्दाना बांझपन का ताल्लुक मर्दाना स्पर्म से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्पर्म क्या होते हैं। नाज़रीन, स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं जो मर्द और औरत के मिलने के बाद यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मर्दाना अज़्वे नासल से मनी के साथ खारिज होते हैं और औरत की रहम की गर्दन में पहुँच कर औलाद पैदा करने का बाइस बनते हैं। स्पर्म की पैदाइश इन्हीं स्पर्म की वजह से होती है जो जिस्म में एडक्टिस ग्लैंड यानी बेनाली रतूतों से रतूबत खारिज होती है। हर बार बच्चे की पैदाइश के लिए जरूरी है कि मनी में स्पर्म की क्वालिटी मकदार मुनासिब हो। बाज़ुकात किसी वजह से मनी में स्पर्म मौजूद नहीं होते या बहुत कम मकदार में होते हैं जो मर्दाना बांझपन का बाइस बनते हैं। नाज़रीन, मर्दों में जब स्पर्म की मतलूबा तादाद 200 से 600 मिलियन से कम हो तो बांझपन हो जाता है। अगर स्पर्म 50 मिलियन एक्टिव हो लेकिन 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो इनफर्टाइल कहलाता है। अगर किसी के पास 200 मिलियन काउंट है उसमें से 75% एक्टिव है तो ये टोटल काउंट 150 मिलियन एक्टिव बनता है। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास 200 मिलियन काउंट हो उसमें से 70% एक्टिव हो तो ये 140 मिलियन एक्टिव काउंट बनता है। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास 200 मिलियन काउंट हो जिसमें से 60% एक्टिव हो तो ये 120 मिलियन एक्टिव बनता है। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना बांझपन की इकसाम के बारे में बताती हूँ। मर्दाना बांझपन की 3 इकसाम है। नंबर 1, एज़ोस्पर्मिया। इस बीमारी में सीमन में स्पर्म की गैर मौजूदगी है। नंबर 2, ओलिगोस्पर्मिया। इसमें स्पर्म की तादाद बहुत कम होती है। स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 से 600 मिलियन, लेकिन अगर ये तादाद 120 मिलियन से कम हो तो बीमारी ओलिगोस्पर्मिया कहलाती है। नेक्रोस्पर्मिया नंबर 3 पे है। नेक्रोस्पर्मिया मर्दाना बांझपन की इस बीमारी में सीमन में स्पर्म तो मौजूद होते हैं लेकिन मुर्दा हालत में पाए जाते हैं जो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते। नाज़रीन, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन मर्दाना बांझपन से मुतलिक। अब मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताती हूँ। तासीर स्पर्मोजेन स्पर्म ग्रोथ थेरापी। जी, ये ना सिर्फ हमारी वीडियो का नाम है बल्कि मर्दाना बांझपन की मेडिसिन का भी नाम है। तासीर स्पर्मोजेन स्पर्म ग्रोथ थेरापी मायूस बेऔलाद जोड़ों के लिए एक उम्मीद की किरण। मर्दाना बांझपन भी एक काबिले इलाज मर्ज है। नाज़रीन, अगर आप अभी तक माँ बाप नहीं बने तो मायूस मत हो क्योंकि मायूसी गुनाह है। तिब की दुनिया में एक तेजी से मकबूल होता हुआ मौसर और बेजरर तरीका इलाज है तमाम मर्दाना बांझपन की बीमारियों से निजात हासिल करें। तासीर स्पर्मोजेन स्पर्म ग्रोथ थेरापी मर्दों में पाए जाने वाली बीमारियों में जिनमें एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया शामिल हैं। तासीर स्पर्मोजेन स्पर्म ग्रोथ थेरापी इन तमाम बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। के अलावा ख्वा बांझपन, प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो यानी शादी के बाद 1 साल तक हुक्के ज़ौजिया ठीक तरीके से सर अंजाम देने के बावजूद औलाद या हमल ना करार पाया हो। दूसरी है जी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, जिसमें जोड़ों के पास एक औलाद तो हो वो दोबारा दूसरी बार मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हों। तासीर दोहराना की तासीर स्पर्मोजेन स्पर्म ग्रोथ थेरापी एक जदवाई असर रखती है। इसमें शामिल कुदरती और कीमती जड़ी बूटियाँ ना सिर्फ मादा तौलीद को गाढ़ा करती हैं बल्कि स्पर्म की कमी को भी पूरा करके इसे औलाद के काबिल बनाते हैं। नाज़रीन, तासीर स्पर्मोजेन स्पर्म ग्रोथ थेरापी जिसमें खालस जड़ी बूटियां मर्दों के जरसूमाए हयात में होने वाले तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन AGH की सतह में इजाफा करता है, बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनको नॉर्मल करता है, सीमन में स्पर्म काउंट्स की तादाद को मुनासिब तादाद में लाकर औलाद पैदा करने का बाइस बनता है, सीमन में मौजूद पस्सल को भी खत्म करता है, सीमन में स्पर्म मोर्टालिटी यानी स्पर्म की हरकत और सकना, स्पर्म मॉर्फोलॉजी स्पर्म की शक्ल और सूरत को बेहतर और दुरुस्त हालत में लाकर औलाद को सेहतमंद, खुश शक्ल और मुकम्मल खदोखाल के साथ जन्म लेने में मदद देता है।
नाज़रीन, जब एक नॉर्मल शख्स मंजिल होता है तो खारिज होने वाले स्पर्म की तादाद 200 से 600 मिलियन होती है। एक मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 यौम में मैच्योर होते हैं। मर्दाना बांझपन की पेचीदा खराबियाँ, सीमन में स्पर्म की कमी, सीमन का पतला होना, सीमन में मौजूद स्पर्म का मुर्दा होना, सीमन की क्वालिटी और तादाद का दुरुस्त ना होना, इन तमाम मसाइल का कुदरती और हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक हर्बल दवा से इलाज किया जाता है। तासीर स्पर्मोजेन स्पर्म ग्रोथ थेरेपी, जो बेऔलादी के कामयाब इलाज के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पूरे एतमाद और भरोसे के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि 100% रिजल्ट के साथ हजारों बेऔलाद जोड़ों को औलाद जैसी नेमत से सरफराज कर रहा है। नाज़रीन, इसके अलावा टेस्टिकल्स की बीमारियाँ हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल हैं। स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं। स्पर्म की खराबियों के सिलसिले में खुशियों को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। टेस्टिकल्स की बीमारियां हाइड्रोसिल यानी खुशियों के ऊपर गोश्त का भर जाना, वेरिकोसिल खुशियों के साथ नालियों का फूल जाना, और इन बीमारियों का इलाज तासीर स्पर्मोजेन स्पर्म ग्रोथ थेरेपी में है। तासीर स्पर्मोजेन स्पर्म ग्रोथ थेरेपी, जिसे हमारे इदारे तासीर हर्बल फार्मा एंड दवाखाना डिवीजन के माहरीन हुक्मा डॉक्टरों ने साल साल रिसर्च के बाद ये नुस्खा मुतारिफ करवाया है। नाज़रीन, तासीर स्पर्मोजेन स्पर्म ग्रोथ थेरेपी औलाद के हसूल के लिए कामयाबी का ज़मानत समझा जाता है। इस कोर्स को पाकिस्तान में तो शोहरत हासिल है ही, बैरूनी ममालिक में भी इस कोर्स ने अपना लोहा मनवाया है। लिहाजा अगर आप ही आपके कोई भी प्यारा या अजीज इस बेरहम और खतरनाक मर्ज मर्दाना बांझपन में मुब्तला है, तो अभी हमारे और आपके अपने तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और अपने दामन को औलाद जैसी खुशियों से भरें। बेऔलाद लोगों के लिए उम्मीद का वाहिद सहारा तासीर दवाखाना तासीर स्पर्मोजेन स्पर्म ग्रोथ थेरेपी, जो तासीर दवाखाना के पुश्त दर पुश्त सदरी नुस्खा जात पर मुश्तमिल है, इसीलिए ये कोर्स सिर्फ तासीर दवाखाना पर ही दस्तियाब है। नाज़रीन, आपको आज मैंने तासीर स्पर्मोजेन स्पर्म ग्रो कोर्स की अफादियत के बारे में तफसील से बताया। उम्मीद है आप इससे भरपूर फायदा उठाएंगे, क्योंकि तासीर स्पर्मोजेन स्पर्म ग्रोथ थेरेपी बेऔलाद मर्दों के लिए खास तोहफा है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर से एक नए कोर्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और तमाम अमराज से छुटकारा पाएं। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब हकीमो डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। हकीमो डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी, 03009552889, 03349552889, 03219552889। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप कॉल कर सकते हैं। राबता नंबर हकीमो डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, 03215005488, 03215005549। आप अपने तमाम पुराने पेचीदा पोशीदा जिंसी मसाइल, जनाना और मर्दाना बांझपन, इसके अलावा तमाम अमराज के लिए तासीर मेडिकल बोर्ड के हुक्मा और लेडी डॉक्टर्स से मशवरे के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 03335501390, 03235501390। फ्री मशवरे के लिए शादी कोर्स से मुतलक इंतशार की कमी, सख्ती, टाइमिंग की कमी, जरियान, एहतलाम, सरत अंजाल वगैरह के लिए इन नंबर पर रब्ता करें। 03252607654, 03151560754। फ्री मशवरे के लिए अज़ू ख़ास की लंबाई और मोटाई, इसके अलावा अज़ू ख़ास का ढीलापन, टेढ़ापन, छोटेपन के इलाज के लिए इन नंबर पर रब्ता करें। 03377007101, 03277007101। ख्वातीन के मसाइल के लिए जैसे कि लकोरिया, जिस्मानी हुसन में कमी, जनाना बांझपन, माहवारी और बाकी तमाम मसाइल के लिए इन नंबर पर रब्ता करें। 03657776, 03657777। क्लिनिक लैंडलाइन नंबर्स +92515777696,
+92 51 577 697 +92 51 577 3239 +92 51 55 3036 आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं tasirdawahana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.tasirlabs.com।